फ्रेंड्स, अब हम अभ्यास के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अभ्यास सीखने की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर एक, सोच कर बताइए। यहाँ आपको चार प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर एक, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है, तो वो आपको उत्तर में यहाँ पे लिखना है। जैसे कि उत्तर आएगा कि मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है और ये चित्र जो है वो चेक डैम का है कि चेक डैम कैसा होता है। नदी के अंदर जो बंद बनाया जाता है उसे चेक डैम कहते हैं, जिसके माध्यम से गांव में पानी पहुंचता है। सवाल नंबर दो, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो बताओ। तो पीने में करते हैं, नहाने में, अपनी मम्मी रसोई बनाने में करती है, कपड़े धोने के लिए करते हैं, खेतों की सिंचाई में करते हैं, और कहाँ पे करते हैं तो कारखानों में भी हम पानी का उपयोग करते हैं। सवाल नंबर तीन, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय यानी कि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, हमने भाग एक में सीखा, मैंने आपको कहा है कि किस प्रकार हम पानी का अपव्यय करते हैं। जैसे कि उदाहरण दूँ आपको तो पीने के पानी से हम हाथ पैर धो लेते हैं, फिर नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, और पीने योग्य जो पानी है, स्वच्छ पानी है, उससे हम क्या करते हैं तो अपने घर के पशुओं को नहलाते हैं। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम पानी का अपव्यय करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें वो उत्तर यहाँ पे आपको स्वयं लिखना होगा। सवाल नंबर चार, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे। दोस्तों, पानी का अपव्यय न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्या हम करेंगे जिससे पानी का अपव्यय न हो। तो जलाशयों पर सूचनाएं लिखेंगे, टपक के नल बंद करवाएंगे, पीने योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक ही उपयोग करेंगे, और पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को हम जागरूक करेंगे, लोगों को हम समझाएंगे। तो इस प्रकार हमारे प्रयासों से पानी का अपव्यय कम हो सकता है। तो हम ऐसे प्रयत्न कर सकते हैं। आपको इस उत्तर में आपके मन में जो भी है, आप जिस प्रकार लोगों को पानी का अपव्यय करने से रोकना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हो। सवाल नंबर दो, छात्रों को अपने गांव या शहर के नज़दीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। मुलाकात के बाद छात्रों ने जो देखा है उसकी कक्षा में चर्चा और लेखन करवाइए। फ्रेंड्स, आपके आसपास अगर नदी है, तालाब है, चेक डैम है, या फिर ऐसी कोई जल परियोजना है, खेत है, तालाब है, तो आप उसकी मुलाकात लेंगे और आपने वहाँ क्या देखा है वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर तीन, अ इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और उसके ऊपर घेरा कीजिए। दोस्तों, इकाई में जो भी शब्द आए हैं वो आपको यहाँ से ढूंढने हैं। देखिए, उदाहरण दिया है लह लहाए, दूसरा शब्द आपको मिलेगा दुम दुमा, उसके बाद मिलेगा छपा छप, कहाड़ी, बरसात। तो ये सारे शब्द मैंने ढूंढे हैं, आपको यहाँ अन्य शब्द ढूंढने होंगे, तो ये आप स्वयं करेंगे। ब, दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। देखिए, यहाँ आपको न, शा, प, रो, छ, पा, मी जैसे वर्ण दिए गए हैं, आपको नीचे रिक्त स्थान में योग्य जगह पर इन शब्दों को रखना है और उत्तर प्राप्त करना है। देखो, मैंने यहाँ पे पहला शब्द ढूंढा है छ, पा, छ, प, तो ऐसे शब्द आप ढूंढेंगे स्वयं। प्रश्न नंबर चार, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर पांच वाक्य लिखिए। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो एक गांव का दृश्य है और सुबह का समय है, तो आपको चित्र में से वाक्य बनाकर स्वयं लिखना होगा।
प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। दोस्तों, यहाँ आपको 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक चित्र आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसके आधारित हम कहानी बनाएंगे। तो चलिए कहानी अब हम सुनेंगे। चित्र में आप देख सकते हो कि मेंढक है और सांप है, तो शीर्षक क्या होगा? मेंढक और सांप। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेंढक को पकड़ कर खा जाता था। मेंढक परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन मेंढक बिल के सामने खड़ा रहा। बाकी सभी मेंढक बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेंढक को पकड़ा, छिपे हुए मेंढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया। वह पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। मेंढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में शक्ति है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेंढकों की वजह से सांप को भागना पड़ा, यानी कि उन्होंने संगठन किया। तो इसकी सीख क्या होगी कि हमेशा संगठन में बड़ी ही ताकत होती है, शक्ति होती है। संगठन में रहकर हम हर एक कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, कोष्ठक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, क्रिया दी गई है कि रहना, नहाना और लहलहाना। तो वाक्य के अनुसार आपको योग्य रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है, डुमडुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, खाली जगह थी। तो रहना क्रिया है, तो क्या उत्तर आएगा? रहती थी। दूसरा, बच्चे तालाब में खाली जगह थे। तीसरा, खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे। तो आपको स्वयं उत्तर लिखना है दूसरा और तीसरा प्रश्न का। प्रश्न नंबर 7, अ कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। कोष्ठक में शब्द लिखे हैं लाल, सफ़ेद, तीन और सुंदर। वाक्य है, खेत में गायें चरती है। तो यहाँ पे वाक्य है पहला, खेत में लाल गायें चरती है। नंबर 2, खेत में सफ़ेद गायें चरती है। तीसरा, खेत में तीन गायें चरती है। और चौथा, खेत में सुंदर गायें चरती है। तो कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उसके ऊपर से ये वाक्य बनाए गए हैं। ब, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ कोष्ठक में लाल, रंग बिरंगे, तीन, सुंदर जैसे शब्द दिए हैं। तो इन शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य दिया है, पहला कि बगीचे में फूल खिलते हैं, तो इन वाक्यों में ये शब्द को रखकर आपको फिर से वाक्य बनाने हैं। जैसे उदाहरण, पहला शब्द है लाल, तो बगीचे में लाल फूल खिले हैं। दूसरा शब्द है रंग बिरंगे, तो वाक्य बनेगा कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो तीसरा और चौथा वाक्य आपको स्वयं बनाना होगा। क, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। शब्द है होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा। तो आपको स्वयं वाक्य बनाने होंगे। फ्रेंड्स, हमने अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण समझ आ गई होगी।